बोल सच्चे दरबार की। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जय साला सर्वा जय जय साला सरवाले तुम राम के भगत निराले। चमत्कारी भजन की श्रृंखला, बड़ा ही प्यारा ऐसा समा बांधता हुआ भजन, रामायण की बड़ी अनूठी घटना। भक्त शिरोमणि बजरंग बली कहलाए, सारे जगत में सेवक धर्म निभाकर ये प्रेम की रीत निभाई और अपने आप को सर्वोपरि घोषित किया। कहते हैं ना कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। वाह, ऐसे सेवक को जिसे भगवान ने स्वयं गले लगाया, आशीर्वाद दिया, ये चमत्कारी भजन रामायण की उस घटना पर आधारित है जब भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर लंका विजय पाकर विभीषण को राज दिलाकर माता सीता को अग्नि परीक्षा करवाकर जब अपने अनुज लक्ष्मण और सारे वानर दल के प्रमुख लोगों के साथ वापस अयोध्या आए, जय जयकार प्रभु राम आ गए। मुनि वशिष्ठ ने फिर एक बार मुहूर्त निकाला राम राज्याभिषेक का और उस राज्याभिषेक की घटना में जो हुआ आपके सामने। यह चमत्कारी भजन बजरंग बली के महान भजनों में सर्वोपरि माना जाता है क्योंकि इसमें बजरंग बली को साक्षात राम मिले, घोषित हुए महाबली हनुमान, भक्त शिरोमणि हनुमान। जय जय सालासर वाले, राजस्थान का एक बजरंग बली का महान धाम, मेरी अटूट श्रद्धा वहां देते हुए उस भजन को अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं। भाषा वही है, बात वही है, शब्द वही है, मेरा अपना प्रेजेंटेशन। सालासर धाम को नमन करते हुए मैंने पहली लाइन सालासर धाम को इंगित की है, जय जय सालासर वाले। जय जय साला सर्वाले, जय हो बजरंग बली, जय जय साला सर्वाले तुम नाम के भगत। भगत निराले, जय जय साला सर्वाले।
कुमार राम घर आए। वो घटना आपके सामने, ध्यान से सुनिए। रावण मार राम घर आए, खुशियों की महफिल सज रही, राज तिलक की तैयारी, शहनाई जैसे बज रही। बड़े बड़े राजा आए, तोहफों की भेंट देते हैं। ये परंपरा आज भी कोई नया राष्ट्रपति बनता है कोई फॉरेन में, तो यहाँ का राष्ट्रपति उसे शुभकामनाएं भी जाता है, तोहफे भी जाता है। और उस वक्त भी उस महान विशाल राजा राम के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए अवध नरेश भगवान राम बन रहे हैं, अवध नरेश। और सारे छोटे मोटे राजा, आसपास के सारे राज रजवाड़े वहां पधारे। हाँ, रावण मार राम घर आए, खुशियों की महफिल सज रही, राज तिलक की तैयारी, शहनाई जैसे बज रही। बड़े बड़े राजा आए, तोहफों की भेंट देते हैं, हंस हंस कर श्री रामचंद्र खुशियां कबूल लेते हैं। हो शोभा अवध की आज है न्यारी, हो नाचे मगन हो ये नर नारी, लेकर भगवान राम को राज्याभिषेक होने के बाद तोहफे दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उस सभा में भाग लेने के लिए नया नया राजा लंकापति विभीषण, रावण का छोटा भाई, भी आया था। और उसके पास ऐसे मोतियों का जड़ा कंठा था कि वैसा कंठा उस वक्त सारे संसार में व्याप्त नहीं था। इतना महान कंठा, लंका का खजाने का 900 हार, आहा, साक्षात दरबार। और विभीषण ने सोचा, सब लोग तोहफे दे रहे हैं, अगर मैं इनके बीच में तोहफा दूंगा तो मजा नहीं आएगा। हर आदमी मजे के लिए सब कुछ करता है भाई। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि एक बार एक कमला विमला दो सहेलियां, और कमला ने एक सोने की अंगूठी बनाई, अंगूठी महिला अंगूठी बताना चाहती है सबको। और उसके आसपास जितने भी घर थे, फ्लैट थे, सब जगह जाती। उसकी सहेली थी विमला, विमला के पास गई। ए विमला, ए विमला, तेरे पति आ गए क्या है? ए विमला, तूने क्या बनाया? ये हाथ यही का यही, ताकि कोई अंगूठी की तारीफ तो कर दे कि कमला क्या अंगूठी बनी है। सुबह से हो गई शाम, किसी ने अंगूठी को ध्यान दिया? जोक की बात ध्यान नहीं दिया किसी ने। और गुस्से में कमला ने अपने घर में आग लगा दी। आग, सारे लोग आसपास के फ्लैट वाले भागे, पानी डाल रहे हैं, और उस आग में कमला की अंगूठी विमला ने देखी। बोले, ए कमला, एक मिनट ठहर, ये अंगूठी तूने कब बनाई है? कमला बोली, तू पहली बोल दी तो घर क्यों बढ़तो? जोक की बात। खैर, विभीषण को मन में सोचा, अभिमान प्रभु कभी बर्दाश्त नहीं करते। स्वाभिमान ठीक है, अभिमान नहीं, घमंड नहीं। हाँ साहब, भगवान घमंडी खाते हैं, उनका खाना वही है। हाँ साहब। और देखा, विभीषण ने मन में सोचा, ऐसा मोतियों का जड़ा कंठा मैं सबके बाद में दूंगा, अलग से दूंगा, तो उसका कुछ मजा आएगा, कुछ परखा जाएगा, देखा जाएगा। सब लोग तोहफे दे चुके, बड़े गर्व के साथ अपना अमूल्य कंठा लेकर विभीषण प्रभु राम के पास पधारा। लंकापति विभीषण ने, ओ लंकापति विभीषण ने एक मोतियों का हार दिया, तो राम ने आभूषण समझा और सीता जी की ओर किया। बाजू सीता माता बैठी थी, दरबार लगा हुआ था, लक्ष्मण चमन दुला रहे थे, और राम जी ने भी लिया। थैंक यू विभीषण, और लेडीज का मामला है, सीता जी को सौंप दिया। भगवान राम ने देखा ही नहीं उस हार को, विभीषण परेशान। देखना चाहिए ना, इतना कीमती हार, एक एक मन का, अरबों का, खरबों का। और सीता माता ने, उन्होंने भी नहीं देखा, हाथ में हार में आया और दूर खड़े हनुमान जी को, वहां दूर खड़े हनुमान जी को देखा और कहा,
खुश होकर सीता माता ने हनुमान को पास बुलाया है। वाह भाई वाह, सीता माता का दुलार बजरंगबली से। खुश होकर सीता माता ने हनुमान को पास बुलाया है, कहा तुम्हारी हिम्मत ने विभीषण को राज दिलाया है। ये रत्न जड़ित है माला हो, ये हनुमान जी महाराज को हार चले गया। बजरंग बली लाल लंगोटे वाले राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बजरंग बली उस हार को लेकर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए और विभीषण हक्का बक्का, किसी ने कुछ नहीं कहा, हार की तारीफ नहीं की। और उधर हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हो उस हार का? हार हाथ में लेकर हनुमत उसे घुमा फिरा कर देख रहे, नहीं समझ में आया तो तोड़ तोड़ कर फेंक रहे। एक एक मन का, एक एक मन का, अरबों खरबों का हनुमान जी महाराज एक एक मन को ले रहे हैं, मुंह में तोड़ रहे हैं, थूक रहे हैं, देख रहे हैं, तोड़ रहे हैं, थूक रहे हैं, देख रहे हैं, एक एक मन का। विभीषण परेशान, लाल आंखें हो गई, ये दुर्दशा मेरे हार की। सारी सभा हंसने लगी। लंकापति मन में पछताया, माँ जानकी ने क्या किया, अरे रत्न जड़ित हीरों का कंठा एक बंदर के हाथ दिया। विभीषण क्रोध में आए भारी, इतना कीमती हार विभीषण का दिया हुआ, लंका नरेश का दिया हुआ। अरे सारी सभा हंसने लगी और विभीषण और क्रोध में आ गया। सभा सारी हंसने लगी, तुम पागल हो अंजनी लाला, अरे इतना कीमती हार तुमने क्या फूल पत्ते समझ तोड़ डाला। इतना कीमती हार क्या तुमने इसे फूल पत्ता समझा है तो तोड़कर फेंक रहे हो? कीमती हार, कीमती कीमती। दास अनुदास हनुमान हार हाथ में बोले कीमती, ये हार कीमती। बजरंग बली ने कहा, हाथ जोड़कर बोले बजरंग, अब्बा जय हनुमान। हाथ जोड़कर बोले बजरंग कि मुझको क्या कीमत से कहा। कीमती, हाथ जोड़कर बोले बजरंग कि मुझको क्या कीमत से काम, अरे मेरे काम की चीज वही जिसमें बसते हो सीताराम, वो टुकड़े टुकड़े कर डाले हो। तुम्हारा यह हार विभीषण, कीमती कहां से कीमती, इसमें मेरे राम नहीं, ये तो कॉटन वेस्ट है, हाँ डस्टबिन में डालने का हार है।
भरी सभा में विभीषण पहले ही आग बबूला, किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके हार की ओर, और लंका नरेश बन चुका था। जैसी कहते हैं ना कि अपने आप लखन आ जाते हैं, राजा विभीषण का अपमान, उसके हार का अपमान। और भरी सभा में लंकापति विभीषण ने कहा, हनुमान, हाँ हनुमान जी महाराज सुनो, तुमने मेरे हार का सत्यानाश कर दिया, इन्हें दो कोड़ी का बता दिया। हनुमान, हाँ इन मनकों में राम नहीं है, हो ही नहीं सकते। अरे तुम में राम है या तुम भी इसी तरह दो कोड़ी की चीज हो, कॉटन वेस्ट डस्टबिन में फेंकने का मांस का लोथड़ा। तुम में राम है हनुमान, इन मनकों में राम नहीं, इसे तोड़ दिया। क्या तुम में राम है? चमत्कारी भजन अपने उफान पर, चमत्कारी घटना राजा राम के दरबार में, भरी सभा में विभीषण ने ताना मारा। तुम में भी क्या राम बसे, बोलो हनुमान, क्या तुम में राम है? तुम में भी क्या राम बसे, जब लंका पति ने झाड़ दिया। सारी सभा सन्न हो गई, ये क्या होने वाला है। भरी सभा में हनुमान और विभीषण आमने सामने, बोलो हनुमान, तुम में भी क्या राम बसे, जब लंका पति ने झाड़ दिया, तो नाम लिया श्री राम का, हनुमान ने सीना फाड़ दिया। बल पवन पुत्र हनुमान की, अजय बलि ने भरी सभा में अपने दोनों हाथों से तुरंत अपना सीना फाड़ दिया। बोले देखो विभीषण, सारी सभा परेशान, भागम भाग, लहू ही लहू, भयंकर सन्नाटे लेता हुआ, भयंकर झंकारे लेता हुआ हनुमान जी का लहू। द ब्लड ऑफ हनुमान, नॉट ए जोक। पूरी सभा में लालम लाल हो गया, सारी सभा भागी, हनुमान तुमने क्या किया, हनुमान तुमने क्या किया, अपने नाखूनों से अपना सीना चीर दिया इसी वक्त। हनुमान जी ने कहा, हटो हटो, कमान विभीषण, आओ विभीषण देखो, मैंने तुम्हारे मनकों में राम नहीं से तोड़ दिया, इसे काटन नष्ट बना दिया। देखो विभीषण, झांको मेरे सीने में, मेरे हृदय में। और जब विभीषण ने उस लहू में वो नजारा देखा, भरी सभा में सारे लोग आश्चर्यचकित, क्या बात है, तुम में भी क्या राम बसे, जब लंका पति ने झाड़ दिया, तो नाम लिया श्री राम का, हनुमान ने सीना फाड़ दिया। और क्या नजारा, राजा राम मन में बसे, साक्षात राज तिलक राम का, वही राम, राजा राम, राजा राम। देखो देखो विभीषण, मैंने तुम्हारे मन को तोड़ दिया। विभीषण देखो, अगर मुझ में राम नहीं तो मैं भी तोड़ने और फेंकने की चीज हूं, कॉटन वेस्ट मांस का लोथड़ा। देखो विभीषण देखो, राजा राम मन में बसे, ओ राजा राम मन में बसे, प्रभु जगमग दर्श दिखाते हैं। आशीर्वाद की मुद्रा में राम राम राम, रोम रोम से राम निकल रहा है। राजा राम मन में बसे, प्रभु जगमग दर्श दिखाते हैं। अरे हनुमान की भक्ति देख कर, श्याम भाई सब जय जयकार लगाते हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। ओ राम जी दौड़े दौड़े ले, क्या ले, बात। ओ
झटकार हनुमान जी की सारा सभा। भगवान राम दौड़ते दौड़ते आए, नहीं प्रभु मैं मेरा खून नहीं हनुमान, ये मेरा ही खून है। और भगवान राम ने गले लगाया, सारी दुविधा मिटा दी और साक्षात और राम और हनुमान गले मिल रहे हैं, प्रेम के धारे बरस रहे हैं। और बड़ी प्यारी बात, बजरंग बली को भगवान राम ने हृदय से वरदान दिया, भक्त शिरोमणि हनुमान, भक्त शिरोमणि हनुमान तुझे पूजने वाला मुझ तक अपने आप पहुंच जाएगा। कोई भी भगत भगवान के समकक्ष नहीं पूजा जाता, लेकिन वाह राम जी महाराज ने, साक्षात रामचंद्र प्रभु ने वरदान दिया, तीन लोक में डंका बजता है बजरंग बली का। भक्त शिरोमणि हनुमान रोम रोम में बसे है राम, भक्त शिरोमणि हनुमान रोम रोम में बसे है राम। अरे सेवक धर्म की रीत है राम राम बस एक ही काम, अरे वाह रे वाह हनुमान जति, ओ वाह रे वाह हनुमान जति, श्री राम भक्त अंजनी लाला। अरे एक जरा सी बात पे तूने अपना सीना चीर दिखा डाला, और यही बात रामदेव कीर्तन संगम गाए।